हार है मलका आलिया, दुश्मन किले में दाखिल हो चुका है और बादशाह सलामत बुरी तरह से जख्मी हो गए। क्या कहा? कहा है वो? मौत के दरवाजे पर। क्या हुआ मेरे वाली? ये क्या? हमारी तलवार टूट चुकी है, हमारी बादशाह दम तोड़ रही है बेगम। हम दोनों बच्चों को लेकर सुरंग की राह किले से निकल जाओ। ये आप क्या फरमानी है मेरे सरदार? हम ठीक कह रहे हैं बेगम, जल्दी करो। अगर आज सुलेमान होता तो हमें जरा फिक्र न होती। सुलेमान? कौन सुलेमान? सुलेमान हमारा। आका तेरे किसी मिलते आलिया, दुश्मन शाही महल की तरफ आ रहे हैं। अपने मासूम बच्चों को बचाने के लिए दिल पर पत्थर रख लीजिए मलका आलिया, दिल पर पत्थर रख लीजिए। वो सुनिए, वो सुनिए, दुश्मन शाही महल की तरफ आ रहे हैं। अगर वो यहां पहुंच गए तो फिर शहजादों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। शामा के शाही खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हो सकता है आपके बच्चे बड़े होकर इस तबाही का दुश्मन से बदला ले। भाई बदला? दाखिल होने से पहले ही दो स्वयं किला फरार हो गए। तुम उसे तुरंत आज करवाओ और जहां भी मिले हमारे सामने ले आओ। शहर को आग लगाकर राख कर दो और जितने भी कैदी मिले उन्हें गुलाम बना दो। आज से जामा पर हमारी हुकूमत है, शहनशाह सुहेल की हुकूमत। क्या कहा? जामा की हुकूमत खत्म हो गई? हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। बादशाह लड़ाई में मारे गए। और उनकी बेगम? वो अपने बच्चों को लेकर सुरंग की राह फरार हो गई। आखिर वो गई कहां? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। तुम लोग ये रास्ते पर तलाश करो, हम सुरिया के रास्ते पर जा रहे हैं। ये बच्चा इस खंडर में? तैवर खान, इस बच्चे को अपने अड्डे पर ले जाओ। हम इस बच्चे की परवरिश अपने गिरोह में करेंगे और हर फन में माहिर बनाएंगे। बहुत बेहतर। ओह
खुदकुशी करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है खानम। लेकिन मेरे लिए खुदकुशी गुनाह नहीं, सवाब है बाबा। भूलती हो खानम, मालिक ने तुम्हें जिंदगी इसलिए नहीं बख्शी कि तुम बगैर उसके हुक्म के इसे खत्म कर दो। तुम शायद जमाने की सताई हुई मालूम होती हो और इसीलिए जमाने से अपना दामन छुड़ाकर भागना चाहती हो। हाँ, लेकिन आप कौन? एक इंसान। सीपीओ
बादशाह एक दरख्त की टहनी से लटका हुआ रो रहा था, मुझे इस पर आ गया। रहम ही मुकद्दस देवता की वो आवाज है जो जिंदगी को पनाह देती है। मालूम होता है ये बच्चा को गैर मामूली हस्ती है, वरना इस तरह कभी जिंदा नहीं रह सकता। अगर ऐसा ही है तो ये बच्चा हम तुम्हीं को देते हैं, तुम्हें इसकी परवरिश करो ताकि ये बड़ा होकर दूसरा सीपीओ साबित हो और बेबीलोन का नाम ऊंचा करे। समझ लो ये सल्तनत जामा के फतेह का इनाम। इसका नाम क्या रखोगे? आप ही बताइए। ये बच्चा फिरदौस मशीनों का तोहफा है, इसका नाम फिरदौस रखो। जो हुक्म। सरदार खान, ये बच्चा? हाँ, ये बच्चा सरदार को एक खंडर में मिला था। उनका हुक्म है कि इसकी परवरिश की जाए। खंडर में? इतना प्यारा और मासूम बच्चा खंडर में? हो सकता है कि इसके माँ बाप किसी गरीबी मुसीबत के शिकार हो गए हो। तो मगर इसकी परवरिश कैसे होगी? क्यों नहीं होगी, सरदार चाहते हैं कि ये बड़ा होकर हर फन का माहिर हो। जाओ, इसके लिए दूध का इंतजाम करो। जाओ जाओ। ये एक ऐसा खिलौना है जो हमें मालिक के दरबार से मिला था, लेकिन इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई। उसके मरते ही हम गम के समंदर में डूब गए। हमने बहुत चाहा कि दुनिया छोड़ दें, लेकिन इस मासूम बच्चे की भोली सूरत ने हमारे पांव में जंजीरें डाल दी जिन्हें हम तोड़ ना सके। तो ये आपकी बच्ची? इसे कुछ भी समझो, लेकिन इस वक्त ये मुकद्दस देवता की इमानत है। इसे अपने कलेजे से लगा लो और अपनी दम तोड़ी ममता को जिंदगी दो। हो सकता है इसकी गुलाबी किलकारियों में तुम अपनी भोली हुई जिंदगी की याददाश्त को खिला सको। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, इसे अपनी बच्ची समझो और समझ लो कि तुम ही इसकी माँ हो। माँ? शबाना, शबाना बेटी। अम्मी, तुम तो हमें सोने भी नहीं देती। शबाना फिर सो गई? उठो बेटी उठो। अम्मी सोने दो, देखो ना कितनी मजेदार नींद आ रही है। और तुम हो के? तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। उफो, तुमने तो जैसे हमें जगाने की कसम ही खा ली है। लो बाबा। बाबा आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, इसीलिए तो बुलाया है तुझे। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, दो चार रोज बाद लौट आऊंगा। तू जरा शहजादी के पास हो आना। क्यों? उसने बुलाया है तुझे। क्यों? क्यों क्या, यूं ही मिलने के लिए बुलाया होगा। कह रही थी कि शबाना को अब हम अपने पास ही रखेंगे। क्यों? तेरी क्यों तो कभी खत्म नहीं होगी बेटा। तू कह रही थी कि शबाना के यहाँ रहने से हमारा जी बहलता रहेगा। नहीं बाबा, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? लो अब आपने क्यों शुरू कर दी। मैं पूछती हूँ, अगर मैं वहाँ रहूंगी तो अम्मी यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? और फिर आपको भी तो। मेरा फिक्र ना करो बेटा, मैं तो एक बहता हुआ पानी, आज यहाँ कल वहाँ, ये तो तेरी मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच ले आती है। Thank you.
नाम फिरदौस है। बेबीलोन के सिपे सालार ने इसकी परवरिश की है। मेरा ख्याल है रुस्तम रोम का खिताब इसी बहादुर को दे दिया जाए। बेशक। के मौजमा के कर्म को कबूल करो। तुमने जोड़िया के उस शमशीर को झुका दिया जिस पे हमें नाज था, हमारे मुल्क को नाज था। हम तुम्हें रुस्तमे रोम के आला खिताब से सरफराज फरमाते हैं और ये कीमती तोहफा तुम्हें अता फरमा रहे हैं। ये खंजर जहां कैसे पहुंचा? ठहरिए मलिका आलिया, ठहरिए। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। ये गुलाम इनसे हाथ मिलाने के लिए बाकी है। कौन है तुम? जोड़िया के घटना सिपाही। गुलाम का नाम अरसलान है। जिम्बू को हराने वाले इस बहादुर से तुम मुकाबला करना चाहते हो? गुस्ताखी माफ हो मलिका आलिया, मैं इसीलिए बड़ी दूर से भागा हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अब मुकाबला खत्म हो चुका है। नहीं शहजादी, मुकाबला खत्म नहीं हुआ, मुकाबला जारी है। इसलिए कि ये खंजर इस बहादुर के हाथ में अभी तक नहीं पहुंचा। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? क्यों, क्या आपको कोई शक? शक तो नहीं, मगर तुम्हारी मासूमियत आग की एक छोटी सी चिंगारी सारे जंगल को खाक कर सकती है। तो ऑफ है। जानबूझकर तुझे छोड़ दिया। वो चाहता तो तुझे हर मुकाबला शिकस्त दे सकता था। उसका हाथ कई बार उठा मगर रुक गया। मगर क्यों? क्यों? मगर क्यों? उसे तुझ पर रहम आ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इत्मीनान नहीं तो उसी से जाकर पूछ ले। बेशक मैं उसी से जाकर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। कौन है? न मालूम कौन है, मैं तुमसे मिलने आया था।
कमरे में दाखिल हुआ तो देखा ये तुम पे वार करने की कोशिश कर रहा था। मगर ये है कौन? कौन है ये? ये उसी जिम्बू का आदमी होना चाहिए। मुमकिन है जिम्बू की हार का बदला चुकाने आया हो। तुमने ठीक वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई, इसलिए आज से हम तुम दोनों दोस्त हुए। बढ़ाओ हाथ। और अगर दोस्त बनने के बजाय हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई बन जाए तो क्या आपको कोई एतराज है? ये तो और भी खुशी का मुकाम है ब्रदर। चलो तुमने हमारी एक रियाया का खून बहाया है, मुल्क के कानून के मुताबिक तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि हमारी सल्तनत का कानून है खून का बदला खून। मकतूल का खून मैंने किया मलका आलिया, इन्होंने नहीं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये नौजवान झूठ बोल रहा है मलका आलिया, खून मैंने किया है। खून किसी ने भी किया हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। इस वक्त तुम दोनों जुर्म का इकबाल कर रहे हो, इसलिए कानून की नजरों में तुम दोनों मुजरिम हो। माँ बदौलत तुम दोनों को मौत की सुपुर्द करते हैं। बड़ा अकानून है जोड़िया का, एक जान के बदले दो जाने। ले जाओ इन्हें कत्लगाह में और जल्लादों से कहो कि इनकी गर्दन उड़ा दे। जाने न पाए। तुम यहां से नहीं जा सकते। फेंक दो ये तलवारें। कानून से डरकर भागना बुजदिलों का काम है बेटा। तुम बुजदिल नहीं हो, बहादुर हो। आओ मेरे साथ। शहजादी, हम तस्लीम करते हैं कि इनके हाथों से एक नापाक काम हो गया है, लेकिन हुकूमत जोड़िया ने हमेशा बहादुरों की इज्जत की है। कभी कभी इंसानियत और वजूहात के सामने कानून को भी रहम का दामन थामना पड़ता है। मेरी राय है कि इन दोनों को माफ कर दिया जाए। हुस्न वालों की क्या बात है, अरे उनसे मेरी मुलाकात है।
रौनक दिल है यही, शम महफिल है यही, इनसे गुलशन की बहार, ये है फूलों का निकार, ये करें सोला सिंगार, इनके मर जाएं हजार, इनके बालों की अदा लेके उठती है घटा, मैं कदा साज है ये, कदा साज है ये, काबिले नाज है ये, काबिले नाज है ये, मैं कदा साज है ये, काबिले नाज है ये मेरे साज में है, मेरी आवाज है ये, ये मेरे साज में है, मेरी आवाज है। इन पे इल्जाम ना रख, ये बहुत ही बुरी बात है। हुस्न वालों की क्या बात है, अरे उनसे मेरी मुलाकात है, ओ मुलाकात है, ओ मुलाकात है, ओ मुलाकात है। वो वफादार नहीं और दिलदार नहीं, एतमाद उन पे ना कर, आदिले प्यार नहीं, इनको वो याद करे, उनको बर्बाद करे। ऐसे बेबाक है वो जिनका सानी न मिले, जिन पे वो वार करे उनको भी पानी न मिले। उनसे पूछो चलेगा पता, जिनकी उनसे मुलाकात है, वो मुलाकात है, वो मुलाकात है, वो मुलाकात है। हुस्न चालाक सही, हुस्न बेबाक सही, हुस्न चालाक सही, रोशनी हुस्न से है, जिंदगी हुस्न से है, नौजवानी ने सुरूर हुस्न से पाया जरूर, हुस्न के साज बजे, नगमे बल खाने लगे, चीख उठे शेखे हरम, वजद में आने लगे, खिल गया दिल का कमल, खिल गया दिल का कमल, छेड़ दी हमने गजल, छेड़ दी हमने गजल, खिल गया दिल का कमल, छेड़ दी हमने गजल, हुस्न बेदाम नहीं, हुस्न बदनाम नहीं, हुस्न बेदाम नहीं, हुस्न बदनाम नहीं। हुस्न वालों की क्या बात है, उनसे मेरी मुलाकात है, ओ मुलाकात है, ओ मुलाकात है, ओ मुलाकात है। तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो, शायद तुमको मालूम नहीं कि तहवर खान भी मारा गया है। क्या कहते हो सरदार, तहवर खान मारे गए? हाँ, और अरसलान भी हमसे दूर चला गया, हमारी ताकत रोज बरोज कम होती जा रही है, हमें इस बार इतनी बड़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा जिसकी हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सरदार, तैवर खान को मारा किसने? ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, जिस जमीन पे उसका खून गिरा है हम उस जमीन को खोद कर रख देंगे। तो फिर हुक्म दीजिए सरदार, लोगों को करना क्या होगा? तुमको बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ, मेरे हमराइयो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बाजी उलट जाए, हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएं। सबसे पहले हमें जोड़िया में हलचल शुरू करनी होगी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। आओ, आओ। बेटी शबाना। बाबा, बाबा। बाबा, बाबा ये अरसलान है बेटा, बहादुर जवान, तूने दिल से मुकाबले में। मगर ये यहाँ? हाँ बेटा, ये कुछ दिन यहाँ रहेगा। यहाँ? तुझे कुछ इतराज है? हाँ, बहुत बड़ा इतराज है।
भला इतना बड़ा बहादुर इतने छोटे से घर में कैसे रह सकता है? बड़ी शरीर हो गई है तू, ये बड़ा नहीं छोटा है। छोटा? हाँ बेटा, तुझसे भी छोटा। जाओ खानम को बुलाओ। जाती हूँ बाबा। आओ बेटा। अम्मी अम्मी जल्दी चलो। कहाँ? क्या तुम जल्दी उठो ना, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? उफ़, अब तुम तो सारी बातें यही पूछ लेना चाहती हो। अरे क्या कर रही है? तुम चलो ना अम्मी। छोड़ तो चल दे। जल्दी चलो जल्दी। लो बाबा ले आई, बड़ी मुश्किल से खींच कर लाई हूँ। हाँ शबाना इन्हें अम्मी कहती है, इसका नाम अरसलान है, इसे भी अपना ही बेटा समझो। अपना ही बेटा? सलाम अम्मी। जीते रहो बेटा। शबाना की माँ उसको 2 साल का छोड़कर मर गई थी, किस्मत से ये मुझे मिल गई। मैं इन्हें बहन बनाकर यहाँ ले आया। इन्होंने शबाना को अपनी औलाद की तरह पाला है। खानम, आज से अरसलान भी यहीं रहेगा। नहायत शरीफ बच्चा है, इसकी देखभाल भी तुम्हीं को करनी पड़ेगी। शबाना जी, बेटी साथ वाले कमरे को अरसलान के लिए ठीक कर दो। अच्छा। और सुनो जी, इसके साथ कोई शरारत नहीं करना। मैं तो जैसे शरारत की पुतली हूँ ना। अच्छा बेटा, आज शाम को मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जी मगर मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर बेटा मालिक की दी हुई ताकत का गलत इस्तेमाल मालिक की नाफरमानी है। मुझे तुम्हारे मुतालिक सब कुछ मालूम है। जी हाँ, इस मुल्क में ऐसा कौन है जिसके बारे में ये नाचीज मुकद्दस देवता का मुरीद न जानता हो? तुम कौन हो, क्या हो, मुझे सब कुछ मालूम है, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम्हारे चेहरे से बरसता हुआ नूर, आंखों की सुर्खी और पेशानी की लकीरें साफ बतला रही हैं कि तुम किसी शरीफ खानदान की औलाद हो। जी ये तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मगर जिस माहौल में मैंने इतने साल गुजारे हैं वो माहौल कुछ अच्छा नहीं है। तो उस माहौल को छोड़ देना ही अच्छा है। यहां तुम्हें माँ का प्यार भी मिलेगा और वालिद की मोहब्बत भी। माँ का प्यार, वालिद की मोहब्बत? हाँ बेटा, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वफादारी और सच्चाई के जर्रों से बने हुए इस गरीब खाने को अपना ही घर समझो। मैंने कहा जी, आपका नाम? जी नरगिस। नरगिस, वाह क्या खुशबूदार नाम है, नाम सुनते ही दिलो दिमाग दोनों मुअत्तर हो गए। मैंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? जी, 20 साल। अच्छा अगर आप 2-4 बरस घटाकर बोलें तो कोई हर्ज है? क्यों? क्योंकि बात यह है कि अक्सर लड़कियां अपनी उम्र घटाकर ही बोलती हैं। बेफिक्र रहिए, मैंने तो पहले ही पूरे 10 साल घटाए हैं। 10 साल घटाए? 10 साल घटाए हैं? ला हौल वला कुव्वत, खुदा गारत करे लड़कियों को जो अपनी उम्र घटाकर बोलती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे आए तो सचमुच आसमान से परियों की बरसात हो रही है। लीजिए नोश फरमाइए। भाई वाह, गर्मा गर्म कावा। जी मैंने कहा आपका नाम क्या है? जी जैना। जैना, अरे पापा जैना, और उस पर जादू भरे नैना। जी एक बात पूछूं? पूछिए। आपने कभी किसी से इश्क किया है? जी क्या मतलब? जी मतलब तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हुए डर लगता है। हाँ। अगर आप डरते हैं तो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अरे चली गई जैना, मुफ्त में लेना ना देना, और उस पर मार गई जादू भरे नैना। तो वो क्या मैं दखल अंदाज हो सकती हूँ? कौन? शबाना, आओ आओ, अंदर आने के लिए इजाजत की क्या जरूरत थी? वाह जनाब, एक शरीफ मेहमान के साथ
मैं इस कदर बेतकल्लुफ कैसे हो सकती हूँ? काफी समझदार मालूम होती हो। अच्छा, तो अब तक आप मुझे गंवार और जाहिल समझ रहे थे? जी नहीं, आप तो काफी अकलमंद हैं। ये आप साहब कौन हैं? आप यानी आप मेरा मतलब आपसे? ओह वाह जनाब, आपने तो घर में पैर रखते ही मेरा नाम बदल दिया। अजी जनाब, मैं शबाना हूँ, शबाना, आप नहीं, समझे? अगर आइंदा आपने मुझे आप कहकर पुकारा तो झगड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा, कहिए क्या हुक्म है? हुक्म? अच्छा सुनिए, अम्मी ने पूछवाया है आप कावा पियेंगे या दूध? जो भी मिल जाए। वाह, ये कैसे हो सकता है? आप हमारे मेहमान हैं, आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, अगर बताना ही पड़ेगा तो उनसे कह दो कि दूध। अच्छा, मैं अभी कह देती हूँ। मगर आपने ये तो बताया ही नहीं कि दूध बकरी का पियेंगे या भैंस का। जिसका भी मिल जाए। फिर वही झगड़े वाली बात, मैं कहती हूँ आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, बकरी का। अच्छा, क्यों? मगर आपने ये तो बताया ही नहीं दूध गर्म पियेंगे या ठंडा। गर्म। बहुत अच्छा। क्यों, अब क्या बताना बाकी रहा? अजी जनाब, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, दूध कैसा हो, फीका या मीठा? फीका। या अल्लाह, आप फीका दूध पियेंगे? क्यों, क्या हुआ? अजी जनाब, फीका दूध तो वो पीते हैं जो खुद खुश्क और फीके हों। आप तो मालिक के फजल से बहादुर हैं, आपको तो मीठा दूध पीना चाहिए। अच्छा, मिठाई ले आओ। देखिए जनाब, अगर इस तरह आप बार बार अपनी राय बदले तो मैं आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं हारा, तुम्हें जो लाना है ले आओ। ये हुई कुछ बात, मगर देखिए मेरी राय में आप कावा पीजिए, कावा पीने से कुवत बढ़ती है और आपको तो कुवत की खास जरूरत है। अरसलान, लो बेटा दूध पी लो। दूध? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ। मैं क्या करूँ माँ, ये मुझे छोड़े तब ना, बस जनाब सवाल पर सवाल किए चले जा रहे हैं और मैं इनके उल्टे सीधे सवालों का जवाब दिए जा रही हूँ। 3 घंटे से बस यही चल रहा है। बड़ी शरीर है। हाँ बेटा, एक लड़का तुम्हारे लिए ये खत छोड़ गया था। खत? किसका खत है? मेरे पुराने साथियों का। अम्मी, मैं एक दिन के लिए बाहर जाऊंगा, सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आऊंगा। ऐसी क्या बात है? ये सब लौट कर बताऊंगा। आखिर तुम्हें आने में एतराज ही क्या है? एतराज तो कुछ नहीं, लेकिन लेकिन क्या, अब तो तुम्हारे बादशाह सलामत ने भी इजाजत दे दी, फिर क्या वजह है? बात ये है, नई नई जगह है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। हम इसका इंतजाम करेंगे, आज शाम को तुम्हें हमारे साथ शिकार पे चलना होगा। बहुत खूब, चलूंगा। चलूंगा नहीं, यूं कहो मुझे बहुत खुशी होगी। जी मुझे बहुत खुशी होगी। ये बात हुई ना, अब हम इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा जोड़िया में दिल लगा रहे। लो पियो। शुक्रिया। ये बहकती घटाएं, ये महकती हवाएं, कह रही है हमसे तुमसे जाने क्या अफसाना। कहती है ये घटाएं, कहती है ये हवाएं, धड़कनों के साज पर अब छेड़ दिल का तराना। कहती घटाएं, कहती
क्या जवा है मौसम छा रहा है दिल पर एक नशे का आलम छा रहा है दिल पर एक नशे का आलम इश्क है हुस्न है और फिर तनवा ये बहकती घटाएं ये महकती हवाएं कह रही है हमसे तुमसे जान क्या अफसाना ये बहकती घटाएं वादियों के साए आज हम ख्वाबों के अंजुमन में आए आज हम ख्वाबों के अंजुमन में आए आप दिल प्यार से आरज़ू शर्म महकती घटाएं ये महकती हवाएं कह रही है हमसे तुमसे जान क्या अफसाना ये जोड़िया की शानदार तवारीख में यह पहला मौका है जबकि हुकूमत का सरपरस्त इस तरह गायब हुआ हो यह शख्स मलिका को जंगल में शिकार के बहाने ले गया उसे वहां गायब कर दिया इससे पहले कि इसका मनहूस सर जल्लाद के सुपुर्द कर दिया जाए इसे एक और मौका दिया जाए पत्थरों में भटकते भटकते मगर अभी मलका आलम का पता ही नहीं चला ओहो क्यों क्या हुआ यहां आकर तो हम मुसीबत में पड़ गए क्यों उस दिन तो कहते थे जोड़िया में चारों तरफ मजे ही मजे हैं तो बंदे को क्या पता था कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही पांव में बेड़ियां पड़ जाएंगी बेटा फिरदौस मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था इधर उधर भटकने की बजाय रूमा को इन सामने वाली चट्टानों में तलाश करो मैं तुमसे यही कहने आया था पापा आप हमारी इतनी मदद करते हैं कि बेटा राह रास्ते पे चलने वालों की इंसान तो क्या जानवर मदद करते हैं जाओ मुकद्दस देवता तुम्हारी मदद करे मक्कार कहां है तुम्हारा सरदार बुलास कमीने को आखिर क्यों लाया हमें यहाँ आप तुझे कुछ कहना है हमारे सरदार से कहिए शाम को वो आने वाले हैं शाम 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 सरदार मैं बहुत थक गया हूँ इन ऊंची ऊंची चट्टानों पर मुझसे नहीं चला जाएगा अच्छा लाटू
तुम यही ठहरो, मैं अकेला ही जाता हूं, शाम तक वापस लौट आऊंगा। अच्छा। ملکہ عالیہ کا ایک اتنا غلام ملکہ عالیہ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ کیوں لائے ہے تو ہمیں یہاں؟ اس سوال کا جواب تو اس غلام کے سینے میں چھپی ہوئی دل کی دھڑکنیں ہی دے سکتے ہیں۔ خاموش، ہم تیری زبان کھینچوا دیں گے۔ ملکہ عالیہ اس وقت یہ بھول رہی ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں نہیں، اس ناچیز کی قید میں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے تیرے سر پہ موت سوار۔ بندہ زندگی سے زیادہ موت کو عزیز سمجھتا ہے۔ زندگی ایک فاش عورت کی طرح بے وفا ہوتی ہے جو دم کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور موت موت قیامت تک ساتھ دیتی ہے۔ یہ شور کیسا ہے؟ تم سب لوگ ہوشیار رہنا، बस ठीक है आप अपनी कहें, आपको क्या हुआ, कैसा यह हालों का। जब से देखा तुम्हें दिल है बेचैन सा, दिल है बेताब सा, कैसा यह हालों का। Thank you.
भला क्या करें, आप पर गिर पड़ी आपकी बिजलियां, आपकी बिजलियां। हो अब ना घबराइए, अब ना पछताइए, जो हुआ सो हुआ, कैसा यह हालो का। जब से देखा तुम्हें दिल है बेचैन सा, दिल है बेताब सा, कैफा या हालों का। मत तोड़िए हाथ, मत जोड़िए, बस सितम कीजिए, बस सितम कीजिए। हो सहते आए हैं हम, सहते जाएंगे हम आपकी हर जफा, कैफा या हालो का। देखा तुम्हें दिल है बेचैन सा, दिल है बेताब सा, कैफा या हालों का। ओ, हम तो ठीक हैं, आप अपनी कहें, आपको क्या हुआ, कैफा या हालों का। जब से देखा तुम्हें। अरसलान, कौन? सालू, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ अरसलान। सरदार ने भेजा है मुझे। क्यों? सरदार ने कहलाया है कि तुम दरवेश का साथ छोड़कर फौरन वापस आ जाओ। इसे मोहब्बत हो गई? सालू, चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सरदार के सारे एहसान भूल गए। अरसलान, सरदार ने तुम्हें उस वक्त गुरोह में पनाह दी थी जिस वक्त मुश्किल से तुम 3 साल के थे और एक वीरान खंडर में पड़े रो रहे। उन्होंने तुम्हें पाला, पोसा, बड़ा किया और हर फन का माहिर बनाया। और आज जबकि तुम किसी काबिल हुए तो उनका साथ छोड़कर दुश्मन के हमदम बन गए। सालू, चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं, लेकिन जाने से पहले कान खोल कर सुन लो अरसलान। सरदार के गुस्से से खेलने की कोशिश मत करो वरना जल जाओगे, छलक जाओगे, खाक हो जाओगे। बेटा अरसलान। ओ अम्मी, सोए नहीं बेटा? न जाने क्या बात है, आज मुझे नींद नहीं आ रही। आज मुझे भी नींद नहीं आ रही बेटा। एक बात पूछू, बताओगे? पूछो। क्या तुम अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं। क्या ये भी सच है कि तुम किसी को खंडर में पड़े हुए मिले थे? ये तुमसे किसने कहा? सुना है, और मेरा ख्याल है ये सच भी है। हाँ, पर तुम ये सच क्यों पूछ रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरा भी एक बेटा था, परसों हुए उसे मुझसे बिछड़े हुए। जब से ये सुना है कि तुम किसी शख्स को खंडर में मिले हो, तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें गुना पहचाने, मगर माँ माँ का प्यार तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को ढूंढ लेता है।
कुदरत हमेशा अपना काम करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे मम्मी, क्या ऐसा हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, मुकद्दस देवता के कर्म से क्या कुछ नहीं हो सकता है। बेटा अरसलान, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, आओ मेरे साथ। अब तुम समझ गए होगे कि क्यों कल शाम तक उसे शहजादी के साथ जोड़िया के दरबार में हाजिर होना चाहिए। जी समझ गए। तो जाओ, उन चट्टानों में तुम ही उसका पता लगा सकते हो, लेकिन ये काम तुम्हें एक रात में करना होगा। कर सकोगे? मुझे इजाजत दीजिए और मालिक से दुआ कीजिए कि मैं अपने मकसद में काम। मुकद्दस देवता हर करने वाले की मदद करता है बेटा, तुम जाओ। अस्सलाम, तुम यहां जल्दी चलिए आइए। अरसलान, हमें ऐसे रास्ते से चलना चाहिए कि सूर्य गुरूब होने से पहले जोड़िया के दरबार में पहुंच जाएं, क्योंकि आज मियाद का आखिरी दिन है। बेशक, न जाने बाबा पर क्या गुजरी होगी। चलिए आइए, चलिए। धोखा दिया है तुमने, मुजरिम को फरार कर दिया। अगर शाम होने तक मलिका यहाँ ना आई तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाए। बेशक, हमें आफ्ताब गुरूब होने तक और इंतजार करना चाहिए। अगर आफ्ताब की आखिरी किरण छुपने तक तुम्हारा मुलजिम तुम्हारे सामने ना आए तो तुम्हें अख्तियार है कि मेरी गर्दन उड़ा दो।
करना है। अब इसकी सर्दी उड़ा दो। मालिक, अगर तेरी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। रूमा, ये सब क्या है बाबा? कुछ नहीं बेटा, एक तूफान था जो आया और अपना जलवा दिखाकर चला गया। नहीं, बोलो फिर दोस्त जिंदाबाद। नहीं, दरवेश बाबा जिंदाबाद। तुझे दिल सटकेगा, जुल्फों में तेरी जा अटकेगा। तू खुद भी जानती है, पहले से मानती है, आगे क्या क्या होगा। हाथ मेरा कहीं जो बहकेगा, बुलबुल की तरह तू चहकेगा। तू खुद भी जानता है, मुझको पहचानता है, आगे क्या क्या होगा। देखते ही तुझे दिल सटकेगा। पहले तेरे आशिक होंगे अंधे काने, हमसे नीची जात के होंगे सब तेरे दीवाने। हाथ मेरा कहीं जो बहकेगा, बुलबुल की तरह तू चहकेगा। तू खुद भी जानता है, मुझको पहचानता है, आगे क्या क्या होगा। देखते ही तुझे दिल सटकेगा। छुहारा बन गया है, अब कयामत होगी। क्या खबर थी तुझसे मिलते ही मोहब्बत होगी। चारों खाने चित पड़ेगा, यूं हजामत होगी। तेरे सर पे जब पड़ेगी कुछ तो राहत होगी। देखते ही तुझे दिल सटकेगा, जुल्फों में तेरी जा अटकेगा। तू खुद भी जानती है, पहले से मानती है, आगे क्या क्या होगा। देखते ही तुझे दिल सटकेगा। I'm
अपना यूं बना के रहेंगे, चुटकियों में चट से तेरा दिल उड़ा के रहेंगे। हवा कहीं जो महकेगा, बुलबुल की तरह तू चहकेगा, तू खुद जानता है मुझको पहचानता है, आगे क्या क्या होगा। और देखते ही तुझे दिल सटकेगा। चाहे वो शहजादी हो या मलिका, गरीब हो या अमीर, वो यही चाहती है कि उसका भी कोई बादशाह, उसका भी कोई मुहाफिज हो। हम इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होते हुए भी अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करते हैं, क्योंकि हमारा कोई बादशाह नहीं। लेकिन आप तो खुद बादशाह हैं। दुनिया की नजरों में, अपनी नजर में नहीं। हम चाहते हैं कि हम अपने लिए, अपनी दुनिया के तख्त और ताज के लिए एक बादशाह चुने। इसीलिए तो कल आम दरबार बुलाने का इंतजाम किया है। दरबार? हाँ, कल तुम्हें हमें एक ऐसी चीज देना चाहते हैं जिसमें हमारी जिंदगी की राहत, चाहत और मलाहत पोशीदा है, और वो चीज है ये। क्या मतलब? ये तो जोड़िया के खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक खास चीज है। ऐसे हमारे यहाँ दो खंजर थे, एक ये और दूसरा हमारी बड़ी बहन ने झामा के मरहूम बादशाह के छोटे भाई सुलेमान को दिया था। सुलेमान को? हाँ, हमारी बड़ी बहन ने उसी को पसंद किया था। ओह, समझा। लेकिन ऐसा ही एक खंजर हमारे बादशाह सलामत ने मुझे आपको देने के लिए दिया था, मगर वो रास्ते में ही चोरी चला गया। तब तो वो वही खंजर होना चाहिए जो हमारी बड़ी बहन ने सुलेमान को दिया। मुमकिन है वो खंजर झामा के फतह होने के बाद लूट के मार में तुम्हारे बादशाह को मिला हो। खैर, ये खंजर कल हम तुम्हें देंगे, और इसके साथ एक शर्त होगी। अगर तुमने वो शर्त पूरी कर दी तो रोम की सबसे बड़ी हस्ती और खुशनसीब साबित होगी। ऐसा ही एक दूसरा खंजर जोड़िया की शहजादी रूमा की ख्वाबगाह में महफूज है। वो खंजर हमें किसी भी कीमत पे हासिल करना होगा। काम तो बहुत मुश्किल है मेरे आका। जिस खाबगाह में हवा भी डरते डरते गुजरती है, उस खाबगाह में पहुंच कर खंजर हासिल करना। फिक्र ना करो, कलाम दरबार में वो खंजर फिरदौस को दिया जाएगा, और उसके पास से हमें हासिल करना होगा। फिरदौस को दिया जाएगा? क्यों? कल सब कुछ दरबार में अपनी आंखों से देख लेना, और तुम्हें भी वहां हाजिर रहना होगा। जोड़िया की रिया को ये जानकर खुशी होगी कि मलके आलिया बहादुर फिरदौस पर निहायत मेहरबान है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मलके आलिया को दुश्मनों के चुंगल से बचाया है। मलके आलिया ने इस बहादुरी और जांफशानी के सिले में बहादुर फिरदौस को वो खंजर देना कबूल फरमाया है जो कि जोड़िया की शहजादियां अपने हमदम को दिया करती हैं। खंजर के साथ साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी और भी दी जाती है। ऐसा ही एक दूसरा खंजर रोम में और मौजूद है, तुम्हें वो तलाश करना होगा, और जिस दिन दोनों खंजर लेकर तुम शहजादी के सामने आओगे, उसी दिन जोड़िया के शाही खानदान के उसूल के मुताबिक शहजादी रूमा तुम्हारी होगी। कहो, निभा सकोगे ये जिम्मेदारी? मैं वादा करता हूं कि इस खंजर के जोड़ का दूसरा खंजर यहां भी होगा, उसे हासिल करूंगा, और उसके बाद ही शहजादी की खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुकद्दस देवता तुम्हारी मदद करें। हम शहजादी के इंतखाब की दाद देते हैं, और मुकद्दस देवता से दुआ मांगते हैं कि तुम दोनों की मुराद पूरी हो। बहादुर नौजवान, मैं तुम्हें दूसरा खंजर हासिल करने का रास्ता बतलाता हूँ, आओ मेरे साथ। शबाना, बेटी शबाना, अरे ये क्या हुआ? अम्मी,
शायद शबाना को जबरदस्ती उठा के शबाना को जबरदस्ती उठा के ले गए। कल शाम सूरज गुरूब होने से पहले सल्तनत जोड़िया से मिला हुआ फिरदौस वाला खंजर अगर हमारे हवाले न किया गया तो शबाना को कत्ल कर दिया जाएगा। हमारा आदमी काली चट्टान के पास कल शाम को तुम्हारा इंतजार करेगा। नकाब पोश तो ये ललकार हमारे लिए है, लेकिन बाबा नकाब पोश को खंजर की ऐसी क्या जरूरत? इस खंजर के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है बेटा। राज? हाँ, ये फिर कभी बताऊंगा। पहले हमें शबाना को आजाद कराने की कोशिश करना चाहिए, शायद उसके लिए बुढ़ापे में हमें अपनी तलवार उठाना पड़े। नहीं बाबा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। हम दोनों भाई मिलकर उनकी गर्दनें मरोड़ देंगे और शबाना को आजाद कराएंगे। आ गए तुम? हाँ। खंजर कहाँ है? शबाना कहाँ है? खंजर हमारे हवाले कर दो। ये रहा खंजर, अब तुम भी शबाना को हमें दिखा दो। ऐसा नहीं हो सकता। खंजर हमारे हवाले करने के बाद ही तुम शबाना को देख सकते हो। ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें बताना ही होगा शबाना कहाँ है। शबाना इस वक्त हमारी कैद में है और इस वक्त तुम भी हमारे कब्जे में हो। टूट पड़ो इन दोनों पर और गिरफ्तार कर लो। इसे भी उस चूहेदानी में ताकि जिंदगी भर सड़ता रहे। वर्षों से जिस काम का बीड़ा उठाया था आज वो पूरा हुआ। हम बेबीलोन जा रहे हैं। अगर कोई खास काम हो तो हमें बेबीलोन के शाही महल में इत्तला देना। Thank you.
तलाश किया जाए। हो सकता है बदमाशों ने उसे दूसरी गार में बंद कर दिया हो। चलो वो गार भी तलाश करें। चलिए। तुम कौन हो? जिंदा लाश। जिंदा लाश? हाँ, जो 15 बरस से इस कब्र में दफन है। न सड़ती है न गलती है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। क्या करोगे ये सब समझकर? ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम फिरदौस है। कुछ बदमाशों ने एक लड़की को कैद कर लिया था, उसी की तलाश में आया था। अरे मेरा खंजर कहाँ गया? खंजर? हाँ, जोड़िया की शहजादी रूमा ने मुझे दिया था। रूमा? जोड़िया की शहजादी? क्या जोड़िया पर रूमा की हुकूमत है? हाँ, क्यों? क्या जोड़िया में अब भी वैसा ही चमकीला सूरज निकलता है जैसे पहले निकलता था? क्या आसमान अब भी वैसा ही नीला है जैसे पहले था? क्या सब कुछ वैसा ही है? सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। मालूम होता है आपका जोड़िया से कुछ खास लगाव है। लगाव? आज से 15 साल पहले मैं जोड़िया का बादशाह था बेटा। रूमा मेरी बेटी है। क्या कह रहे हैं आप? वही जो इस गार की तन्हाई की तरह सच है। मैं बदल गया हूं, इंसान की फितरतें बदल गई हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदली। रूमा जब 6 साल की थी तब सल्तनत में दुश्मनों के कुछ जासूस घुस आए जो सल्तनत के लिए बहुत ही खतरनाक थे। हमें जब उनका पता चला तो हमने उन्हें बंद करने की कोशिश की। इससे पहले कि हम उन्हें सलाखों में बंद कर लेते, उन्होंने हमी को इस कब्र में दफन कर दिया। तो क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन ये जंजीरें। जंजीरें? शाबाश, तुम वाकई बहादुर हो। शायद इसलिए मेरी बेटी रूमा ने तुम्हें वो खंजर दिया होगा। हो सकता है, लेकिन वो खंजर तो? फिक्र न करो, मिल जाएगा। पहले यहां से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। चलो। आओ, आओ। अगर इसे ऊपर उठा सको तो हमें जाने का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। बाद ये खुला आसमान देखने को मिला। मालिक का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें हमारी रिहाई के लिए भेजा। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकते बेटा। बेटा फिरदौस। बाबा। बाबा। शबाना। बाबा।
गया मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं? कौन तुम? आप? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? ख्वाब नहीं, हकीकत। हम तो मर ही गए थे, मगर इस नौजवान ने हमें मौत के मुंह से छुड़ाकर हमें नई जिंदगी दी है। शेबा कहां है? शेबा तो मालिक को प्यारी हो गई है, ये उसकी लड़की खड़ी है आपके सामने, शबाना। हमारी शेबा की बेटी शबाना? तुम हैरान हो रहे हो, तुम्हारी हैरानी बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी। पहले ये बताओ वो खंजर कहां है? वो तो दुश्मनों के कब्जे में पहुंच गया। दुश्मनों के कब्जे में? क्या चाहते हो? जिल्ले सुभानी का एक नाचीज फरमा बरदार। तुम्हारा नाम? प्लेटो। प्लेटो, तुम? इतने सालों के बाद? हमारा तो ख्याल था कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे। गुलाम को जो काम सुपुर्द किया गया था, उसे अंजाम में आका को अपनी सूरत कैसे दिखा सकता था? आज मैं अपने मकसद में कामयाब होकर फखर के साथ शाह आलम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और यह है उस कामयाबी का सबूत। खंजर? ये खंजर नहीं, बल्कि उस बेमिसाल खजाने की कुंजी है जो जोड़िया में पोशीदा है। जोड़िया का बूढ़ा बादशाह गुलाम की कैद है, उसे इसलिए जिंदा रखा है ताकि खजाने का पता उससे लगाया जा सके। लेकिन लेकिन ऐसा ही खंजर हमने फिरदौस को दिया था, क्यों सीपीओ? बेशक वो भी ऐसा ही था जो जोड़िया की शहजादी को देने के लिए फिरदौस को दिया था। तो क्या फिरदौस यहाँ का खास आदमी है? हाँ, लेकिन वो अब है कहाँ? कुछ ताकि मौत हुआ नहीं पड़ा, इस वक्त वो गुलाम की कैद में है। क्या कहा? फिरदौस कैद में? हाँ। सुल्तान बाबू, एक आदमी जोड़िया से आपके लिए पैगाम लेकर आया। और वैसे ही दो नकली खंजर बनाकर रख दिए। इस रास को हमारे और शेबा के सिवा और कोई नहीं जानता। शादी के बाद ये खंजर तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। फिर दोस्त, हम तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी मैं इनके बारे में जितना मैं जानता हूँ ये खुद भी नहीं जानते। ये दोनों फिरदौस और अरलान झामा के मरहूम बादशाह के बेटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ खानम, यही तुम्हारे वो लखते जिगर हैं जो बचपन में तुमसे बिछड़ गए थे। तो क्या यही हमारी अम्मी है? हाँ बेटा। अम्मी, 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 बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरा बच्चों। मुझे खुशी है कि मुकद्दस देवता के कर्म से मैंने बिखरे हुए तिनकों को जमा करके झामा के शाही खानदान का उजड़ा हुआ घोंसला फिर से आबाद किया है। मगर बाबा, आपने अभी तक खंजर का राज नहीं बताया। वो हम बताते हैं। के रास्ते से हम शाही महल तक पहुंच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो। आओ। ये
यही है वो खजाना जिसे हासिल करने के लिए इतनी साजिशें हो रही थी। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। यही है वो दुश्मन का जासूस जिसने हमें कैद किया था। जिम्बो, इस सड़क बाहर ले चलो। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो। फिरदौस, हट जाओ। फिरदौस, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो। फिरदौस, इसकी बातों में ना आना, ये तुम्हारे बाप का कातिल है। तुम्हारे हुक्म की तामील हो, तामील हो। जाओ।
Ah!
मुलाजिम हो, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम मेरे बाप कातिल हो। ये रहा तुम्हारा गुनाहगार।